वर्ष 2023 के जून माह की शुरुआत होते ही सभी अपनी राशि के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं। आप भी उत्सुक होंगे कि साल का यह माह आपके लिए कैसा रहने वाला है, या कन्या राशि वाले जातक मासिक राशिफल जून 2023 का कैसा रहेगा, क्या इस माह कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे बालाजी ज्योतिष साधना संस्थान ने आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कन्या राशि की भविष्यवाणी जून 2023 का सटीक आकलन किया है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। आइए जानते हैं कन्या राशि मासिक राशिफल जून 2023 कैसा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप कैरियर में आप जो भी प्रयास करेंगे वे आपको सफलता के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस समय आपकी रुचि सेवा भाव के कार्यों में हो सकती है। आपकी चंद्र राशि में शुक्र की शुभ स्थिति इस महीने आपको धन और प्रेम से जुड़े मामले में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। हालांकि इस राशि के लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके आठवें भाव में मौजूद होगा। ऐसे में गुरु ग्रह की प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपको धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति के आठवें भाव में होने से यह समय जीवन के किसी क्षेत्र का विचार करने और नई चीजों में प्रवेश करने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होने की आशंका है। कैरियर में इस राशि के जातकों को नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। इस वजह से आपको संतुष्टि का अनुभव होगा, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में मौजूद होंगे। आपके आठवें भाव में गुरु के बैठे होने से आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो सकता है। ऐसे में आप आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई देंगे। इस महीने आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आठवें भाव में स्थित होंगे। चंद्र राशि के आठवें भाव में बैठे गुरु ग्रह के कारण आप जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। इस दौरान आपके खर्चों में अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है, और ऐसे में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। बृहस्पति की स्थिति की वजह से आपको अपने कमिटमेंट्स पूरा करना मुश्किल लग सकता है। साथ ही दूसरे भाव के स्वामी शुक्र शत्रु राशि के 11वें भाव में बैठे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चे आसमान छुएंगे। ऐसे में आशंका है कि आप जितना भी पैसा कमाएंगे उससे आपको संतुष्टि न मिलेगी। जिसके अलावा इस राशि के जातक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। उनकी भी भावना धनहानि से जुड़ी हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पैसों को संभाल कर रखें, अन्यथा आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। शनि देव आपके छठे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद होंगे, जो धन कमाने की कोशिशों में आपको सफलता प्रदान करेंगे। हालांकि ऐसी आशंका है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन केतु की दूसरे भाव में उपस्थिति के कारण आपके द्वारा कमाया गया धन खर्च हो जाएगा। पर्याप्त धन कमाने और बचत करने के लिए यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यदि आपका अपना व्यापार है तो हो सकता है कि इस महीने आप अच्छा प्रदर्शन करने और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में न हो, क्योंकि राहु आपके आठवें भाव में बैठा होगा। इस भाव में राहु की उपस्थिति अचानक से धन हानि का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप निराशा महसूस करेंगे। इस महीने के दौरान आपको किसी भी नए काम की शुरुआत करने या नए पार्टनरशिप में आने से बचने की सलाह दी जाती है। इन जातकों का स्वास्थ्य इस महीने औसत रहेगा, चूंकि शुभ ग्रह के रूप में बृहस्पति आपके आठवें भाव में स्थित होगा। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को सिरदर्द, पाचन आदि से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्र राशि के दूसरे और आठवें भाव में राहु केतु उपस्थित होंगे, इसलिए संभव है
कि यह समय आपके लिए अनुकूल न हो। साथ ही केतु दूसरे भाव में मौजूद होगा, फलस्वरूप आपको आंखों से जुड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। आपके आठवें भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ विराजमान होंगे, जो आपके लिए स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। साथ ही इस राशि के लोगों को मोटापे की शिकायत भी हो सकती है, लेकिन शनि आपके छठे भाव में बैठा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए जून का महीना औसत से थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति आठवें भाव में स्थित होंगे। छाया ग्रह राहु और केतु आपके दूसरे और आठवें भाव में बैठे होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर में अहंकार की भावना आ जाए, जिसके चलते आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। साथ ही रिश्ते में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए यह समय ठीक ठाक रह सकता है। इस माह के दौरान प्रेम का कारक ग्रह शुक्र शत्रु राशि में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते से प्रेम और खुशियां दूर रह सकती हैं। साथ ही इस राशि के शादीशुदा लोगों को पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संभव है आपका रिश्ता अपनी चमक खो दे। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन 41 बार ओम राहु नमः का जाप करें, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें, प्रतिदिन 41 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें, गाय माता की सेवा करें, माँ दुर्गा पर एक फल और पुष्प चढ़ाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।